नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी की गई है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पोषण ट्रैकर ऐप में जो आप लोग वर्क करते हैं उसमें एक नया नियम पोषण ट्रैकर ऐप में लाया गया है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से यह नियम पोषण ट्रैकर ऐप में पूर्णतः लागू कर दी जाएगी। हालांकि इसके पहले भी आप लोग वो कार्य कर रहे थे, लेकिन 1 जनवरी से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आप लोगों को ये काम अवश्य करना है। तो चलिए, वो कौन सा काम है, आपको किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप पर 1 जनवरी से काम करना है, उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं उस लेटर की ओर। तो जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पोषण ट्रैकर ऐप के लिए एक लेटर जारी किया गया है, जो कि ये लेटर भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है और तमाम जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में ये नियम 1 जनवरी से लागू होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विषय किस लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन उपस्थिति से संबंधित तस्वीर यानी कि फोटोग्राफ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपलोड करने के संबंध में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में 19.9 के अपडेट से ही जो बच्चों का फोटो है वो अपलोड किया जा रहा है, लेकिन 1 जनवरी से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब 1 जनवरी से ये नियम सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है कि आपको फ़ोटो अपलोड ज़रूर करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक है ये, और यहाँ पे नीचे लिखा गया है महाशय, उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में नई सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित होने वाले बच्चों की तस्वीरें खींचते हुए फोटोग्राफ दैनिक रूप से पोषण ट्रैकर में अपलोड किया जाना है। तो 1 जनवरी से सभी राज्यों में जो बच्चों को हॉट कुक मील दिया जाता है या बच्चों का जो डेली एक्टिविटी किया जाता है उसका फ़ोटो आप लोगों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपलोड करना है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करना है, आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिखा गया है उक्त के आलोक में निर्देशित करना है कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित होने वाले बच्चों की तस्वीरें खींचते हुए पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में उक्त कार्य सभी सेविकाओं के द्वारा 1/1/2024 से प्रतिदिन किया जाना अनिवार्य होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2024 से ये जो नियम है वो पूर्णतः लागू कर दिया गया है, और आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि अभी जो आप लोग फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके आगे लिखा गया है, सुलभ प्रसंग हेतु बच्चों की तस्वीरें खींचने एवं फोटोग्राफ अपलोड करने की प्रक्रिया से संबंधित विवरणी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। आवश्यक हो तो पोषण अभियान की तकनीकी टीम जिला प्रखंड समन्वयक जिला परियोजना सहायक के माध्यम से सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। साथ ही आप सभी स्वयं अपने स्तर से निम्न प्रतिदिन का अनुसरण भी सुनिश्चित करेंगे। तो जैसा कि इस लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर आपको पोषण ट्रैकर ऐप में फ़ोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो पोषण अभियान की टीम है, जैसे कि जिला प्रखंड स्तर से जिला परियोजना सहायक जो होंगे वो आपको प्रशिक्षण देंगे, ताकि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे प्रतिदिन का फ़ोटो अपलोड कर सकेंगे। हालांकि आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बताया गया है, आप आसानी से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। चलिए, फ़ोटो अपलोड करने के बारे में थोड़ा सा और आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपना AWC फ़ोटो यानी कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पे डेली ट्रैकिंग ओपन करना है। उसके नीचे ही आपको AWC फ़ोटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PDF में भी समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कैमरे का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको कैमरे पर टैप करना है। ठीक है, फिर जैसे ही कैमरे पर टैप करेंगे तो उसके बाद आपको अपने बच्चों की जो फ़ोटो है वो फ़ोटो खींच लेनी है। आंगनबाड़ी केंद्र में जितने बच्चे होंगे जिनको आप एक्टिविटी कराएंगे या हॉट कुक मिल देंगे या सुबह का नाश्ता देंगे, वो सभी फ़ोटो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं नीचे सबमिट का एक ऑप्शन दिया है, इसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो आज का फ़ोटो खींचा है
तो जो पिछला फ़ोटो है वो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका आज का जो फ़ोटो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डेली यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी बच्चे हैं जिनकी एक्टिविटी आप लोग करेंगे वो सभी फ़ोटो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करनी है और जो नियम है वो किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में लागू किया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अन्य आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।